सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया और हल्दी तो अपने सपोर्ट लेवल से थोड़े से नीचे आ चुके हैं। हालांकि ठीक ठाक ही लेवल्स हैं, लेकिन कीमतों में कुछ करेक्शन देखी गई है। यहाँ पे जीरा भी देख रहे हैं धीरे धीरे अब करेक्शन की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अभी आने वाले समय में मसालों के अंदर वायदे में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है? देखिए, मसालों में भी अभी करेक्शन बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि लगातार तेजी के बाद आज देखिए सभी ऑलमोस्ट कमोडिटीज के अंदर गिरावट है। तो मसालों में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा करेक्शन जोन में जा सकता है मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो आ सकता है। धनिया देखिए, धनिया तो अभी भी 10,000 के ऊपर ही है, तो बहुत ज्यादा कोई गिरावट की उम्मीद है नहीं अभी फिलहाल धनिया के अंदर। और वहीं अगर बात करें जीरा 1900 से लेकर 400 की रेंज नीचे में है, लेकिन बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे लगता है यहीं से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हाँ, हल्दी जरूर लुढ़की है ऊपरी स्तरों पर। हल्दी एक बार 9800 के आसपास सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती है। हल्दी में थोड़ा करेक्शन यहाँ से बढ़ सकती है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर एक बार हैवी बिक वाली हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतें नीचे आई है। लेकिन 9800 के आसपास सपोर्ट हल्दी में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।